वेलकम बैक ऑन इग्नाइटेड ड्रीम। नया दिन, नया वीडियो और एक नई शुरुआत जो डेफिनेटली आपके सपनों को साकार करेगी। द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत, अ वेरी पावरफुल बुक जो आपको सिखाती है वेल्थ कैसे क्रिएट करें और हैप्पी लाइफ कैसे जिए। मैंने इस बुक के कई सारे चैप्टर्स के ऊपर वीडियो बना दिया है। आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके सारे वीडियोस को देखिए। लास्ट वीडियो में मैंने बात किया हुआ था, यू कैन बिल्ड योर हैप्पीनेस बाय डेवलपिंग गुड हैबिट्स। आई एम श्योर कि आपने उस वीडियो को डेफिनेटली देखा होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को देखो जो आपके हैप्पीनेस को बढ़ाए। उस वीडियो को तो डेफिनेटली देखो। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाते हैं, तो वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। हैप्पीनेस के इसी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में मैं एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करता हूं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज चैप्टर 26, फाइंड हैप्पीनेस इन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में अपने हैप्पीनेस को खोजो। नवल के अकॉर्डिंग You always have three options. You can change it, you can accept it, or you can leave it. हमेशा ही आपको तीन options मिलेंगे। या तो event को change कर दो, event को accept कर लो, या event को छोड़कर आप बाहर चले जाओ। Change करने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है। अपने favor में हर एक चीज़ को लाने की कोशिश करना ही unhappiness को बढ़ावा देना है। अगर आप बाहर की चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते रहोगे तो एक चेंज कर लोगे, दो कर लोगे, दस कर लोगे, लेकिन कितनी सारी चीज़ों को चेंज करते रहोगे, पॉसिबल नहीं है। हर एक चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग बदल नहीं सकते हो। तो अगर चेंज करना है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इवेंट के अकॉर्डिंग, तो अपने आप को चेंज करो। अपने आप को सिचुएशन और इवेंट के अकॉर्डिंग अडाप्टेबल बना लो और फिर वो रियल चेंज होगा। रियल मायने में हैप्पीनेस को आप लेकर आओगे। और किसी चीज़ को अगर आप चेंज नहीं कर पा रहे हो तो एक्सेप्टेंस, अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो ना। हर एक चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उसी चीज़ को आप बदल सकते हो, और जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसके लिए आपके पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, एक्सेप्टेंस, acceptance, acceptance. So try to understand, this acceptance will give you the deeper happiness. और अगर आपके अंदर change भी नहीं हो पा रहा है, accept भी नहीं कर पा रहे हो, बाहर की situation को बदल नहीं पा रहे हो, तो उसे छोड़ कर निकल जाओ। नवल कहते हैं, what is not a good option is to sit around wishing you would change it but not changing it. बस बैठ कर सोचते रहो कि ये चीज़ें चेंज कर दूंगा या चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो आप। एक्शन लोगे नहीं और चीज़ें बदल जाएंगी, कभी भी नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। फिर कहते हैं, विशिंग यू कुड लीव इट बट नॉट लिविंग इट। आप बस ये सोचते हो कि मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन छोड़ नहीं रहे हो, अनहैप्पी बने हुए हो, पॉसिबल नहीं है। आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, डिसीजन तो लेना पड़ेगा। एंड नॉट एक्सेप्टिंग इट, आप उसे चेंज भी नहीं कर पा रहे हो, छोड़ भी नहीं पा रहे हो और एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हो। तो अब मुझे बताओ कि आपको रियल हैप्पीनेस मिलेगी तो मिलेगी कहाँ से? नहीं आप बाहर की चीज़ों को चेंज कर पा रहे हो, नहीं आप अपने अंदर बदलाव ला पा रहे हो। सो वेयर दिस हैप्पीनेस विल कम टू यू, इट इज़ इम्पॉसिबल। That struggle or aversion is responsible for most of our misery. यही struggle और यही aversion, ये हमारे misery का सबसे बड़ा कारण है, हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण यही है। आप change करना चाहते हो लेकिन change करने के लिए action नहीं ले रहे हो, छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ने के लिए action नहीं ले रहे हो, acceptance आपके अंदर आ नहीं रही है, और आप बस इसी स्ट्रगल में लगे हुए हो। पूरा जीवन स्ट्रगल में बिता दोगे, आपके पास हैप्पीनेस आ ही नहीं सकती है, पीस आ ही नहीं सकता है। यू हैव दीज थ्री टूल्स, अप्लाई इट वेरी कॉन्शियसली, वेदर एक्सेप्ट इट, लीव इट और चेंज इट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे पास सारे टूल्स हैं, हमारे पास वो सारे मीडियम हैं जो हमें हैप्पी बना सकते हैं, लेकिन ये हमारी कमी है कि हम खुद उसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं।
अब नवल से क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट डज एक्सेप्टेंस लुक लाइक टू यू? एक्सेप्टेंस का आखिर मतलब क्या है? नवल के अकॉर्डिंग इट्स टू बी ओके व्हाट एवर द आउटकम इज। हर एक परिस्थिति में ओके रहो, मतलब कंफर्टेबल रहो चाहे कुछ भी आउटकम हो, बिकॉज आपने राइट एक्शन लिया हुआ है, राइट कर्मा किया हुआ है, अवेयरनेस में आपने एक्शन लिया हुआ है, तो आपको आउटकम फेवर में आता है, फेवर में नहीं आता है, अगर आप उसमें कंफर्टेबल रहते हो, एक्सेप्ट करते हो, वही रियल एक्सेप्टेंस होगा। इट्स टू बी बैलेंस्ड एंड सेंटर्ड, इट्स टू स्टेप बैक एंड टू सी द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, कृष्णा ने भागवत गीता में साफ साफ कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ये जितने भी द्वंद हैं, सुख और दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इसमें अगर आप सम रहते हो, बैलेंस रहते हो, और कोई भी चीज़ आपके पीस पे इम्पैक्ट नहीं करती है, वही तो रियल एक्सेप्टेंस है। ये जो समता का भाव है, जिसको मैं बोलता हूँ कि आप एक्चुअली में हर एक चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि आउटकम पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल केवल इतना ही है आपके एक्शन पे। कर्मण्ये वाधिकारस्ते, यू हैव द राइट ओनली ऑन योर एक्शन, यू डोंट हैव एनी राइट ऑन द रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स के बारे में आप सोचते रहते हो, रिजल्ट्स को अपने फेवर करने की कोशिश करोगे, और वहीं पे मिजरी का कारण बनेगा, वही आपके स्ट्रगल का कारण बनता है। वी डोंट ऑलवेज गेट वॉट वी वॉन्ट, बट समटाइम्स वॉट इज हैपनिंग इज फॉर द बेस्ट। हमें हमेशा वो चीज़ नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, लेकिन प्रकृति का ये नियम है कि जो भी चीज़ आपको मिल रही है वो आपके लिए बेस्ट है। ये बात को जितनी गहराई से समझ लोगे, उतना ही ज़्यादा हैप्पी होना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग हर एक इवेंट को जज करते हो, उसकी लेबलिंग करते हो, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है, ये सिचुएशन मेरे फेवर में है, ये सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं है। बस ये जो आपका द्वंद है किसी चीज़ को जज करना, फेवर अनफेवर बनाना, अच्छा और बुरा बनाना, यही आपके अनहैप्पीनेस का कारण है। रिजल्ट्स पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, सो डोंट थिंक अबाउट दिस कि हर एक आउटकम आपके फेवर में रहेगा। सो जो भी चीज़ें आपके लिए हो रही, अच्छी हो रही, इस बात को मान कर चलो। The sooner you can accept it as a reality, the sooner you can adapt to it. जितनी जल्दी से जल्दी इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लोगे कि जो भी चीज़ हो रही है वो मेरे भले के लिए हो रही है, मेरे अच्छे के लिए हो रही है, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा चीज़ों को एक्सेप्ट करना फ्यूचर में, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको आसान हो जाएगा अपने आप को हैप्पी बनाना। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिजल्ट्स पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, हाँ एक्शंस आपको होश में लेना है, एक्शंस आपको पूरे अवेयरनेस में लेना है, एक्शंस में कहीं से कोई कमी ना हो। ये बात मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ, अपने हर एक वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि आपको एक्शन तो लेना है, कॉन्शियसली एक्शन लेते रहोगे और फिर देखोगे रिजल्ट्स भी आपके फेवर में आने लगेगा, राइट? Achieving acceptance is very, very difficult. जितनी आसानी से इस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ कि acceptance will create a greater happiness, deeper happiness for you, उतनी आसानी से आप acceptance acquire नहीं कर सकते हो, क्योंकि चीज़ें accept कभी आपने करना सीखा ही नहीं, बचपन से नहीं सीखा। जो चीज़ आपके फेवर में नहीं थी उसको बदलने की कोशिश की, और जो चीज़ आप बदल नहीं पा रहे हो उसको छोड़ कर बाहर निकल जा रहे हो। तो आपने दो ही चीज़ें तो सीखी, चेंज कर दो या तो छोड़ कर भाग जाओ, चेंज कर दो छोड़ कर भाग जाओ। एक्सेप्टेंस तो कभी आई नहीं। एक्सेप्टेंस किस चीज़ के लिए? कि जो भी चीज़ मेरे साथ हो रही है उसमें कहीं ना कहीं कोई चीज़ मेरे लिए फेवरेबल छुपी हुई है, एक्सेप्ट करना और एक्सेप्टेंस से हैप्पी बनना, ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। क्या होता है जब आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, इसको ध्यान से समझना। जब आप किसी भी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हो जिसे आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हो, फिर क्या होता है, उस एक्सेप्टेंस में आपका माइंड प्योरली कूल और काम हो जाता है, और जैसे ही कूल और काम हुआ आपका माइंड, आपको रियलिटी दिखने लगती है, ट्रुथ दिखने लगता है, जो रियल इवेंट है वो सारी चीज़ें आपके आँखों के सामने क्लियरली विजिबल हो जाती है।
जो ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, वो सारी चीज़ें धुल जाती है और आपको हर एक चीज़ दूध का दूध और पानी का पानी की तरह दिखाई देने लगता है। और जब ये सारी चीज़ें दिखाई देने लगती है तो आपको समझ में आता है कि आखिर मेरा कहाँ पे फॉल्ट है, मैं उसको करेक्ट करूँ, और कहीं कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूँ कि यहाँ पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, और उस कंट्रोल वाले जगह पे जहाँ पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, आप वहाँ से तुरंत बाहर निकल जाते हो, क्योंकि आपको दिखाई देने लगता है ये चीज़ मेरे कंट्रोलिंग एरिया में है ही नहीं, और जो आपके कंट्रोल में है उसके ऊपर आप एक्शन लेने लगते हो। ये है एक्सेप्टेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट। और जब आपके कंट्रोल में जो भी एक्शन होगा उसके ऊपर काम करोगे तो चीज़ें अपने आप ही बदलने लगती है। हमेशा ही आपने नॉन एक्सेप्टेंस वाले मोड से एक्शन लिया है और इसीलिए हर एक चीज़ बिगड़ी है। सो अचीविंग एक्सेप्टेंस इज़ वेरी डिफिकल्ट। I have a couple of hacks I try, but I wouldn't say they are totally successful. नवल कहते हैं कि मेरे पास कुछ हैक्स हैं कि जिसको मैंने ट्राई किया एक्सेप्टेंस को डेवलप करने के लिए, लेकिन हर एक वो हैक्स, हर एक ऑप्शंस सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो एक्सेप्टेंस बहुत डिफ़िकल्ट है, इसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और इस एक्शन में मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि एक्सेप्टेंस के लिए आपको केवल और केवल अपने ईगो को ड्रॉप करने की कोशिश करनी है। जो ये विन और लूज का जो बैटल है ना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा कि मेरी जीत ही होनी चाहिए, मुझे जीतना है तो जीतना है किसी भी हालत में, मेरी बात ही सुनी जानी चाहिए, मैं ही सच्चा हूँ, उसी बात को बस मनाया जाना चाहिए। ये जो जीत है, ये जो फाइट है, इससे बस आपको बाहर निकलना है। द मोमेंट यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस गेम, यू विल स्टार्ट टू एक्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग, वेदर इट इज़ द पीपल, वेदर इट इज़ द इवेंट और एनीथिंग। एक्सेप्टेंस धीरे धीरे आपके अंदर उतरने लगेगी, क्योंकि आपके अंदर से वो डिजायर खत्म हो गया कि मुझे कुछ जीत हासिल भी करनी है। सी, हमेशा इस बात को समझने की कोशिश करो कि दो टाइप्स के बैटल होते हैं। एक बैटल जो बहुत ही निम्न स्तर का होता है, उस बैटल में कभी भी घुसने की कोशिश मत करो। एक बैटल ऐसा है जो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए होता है, उस बैटल में आप रखो ना। एक आदमी सड़क पे जा रहा है, रास्ते में कुछ सुअर पिक्स अपने आप को मैला कर रहे हैं और उस मैले से कुछ गंदगी उस आदमी के शर्ट पे जाकर गिर जाती है। अब वो आदमी डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है, इस बैटल में जाना है या नहीं जाना है। अगर बैटल में जाएगा तो डेफिनेटली उन पिक्स को वो चेंज नहीं कर सकता है, बिकॉज उनका नेचर ही है अपने आप को मैला करना, लेकिन इस बैटल में गिरने से वो खुद मैला हो जाएगा। यही हमारा भी नेचर है, हमें इस बात को समझना है विच बैटल इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। तो हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक लड़ाई आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ लड़ाइयों को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। फिर नवल से एक क्वेश्चन किया जाता है, हाउ डू यू लर्न टू एक्सेप्ट थिंग्स यू कांट चेंज। जिस चीज़ को आप बदल नहीं सकते हो उसको एक्सेप्ट करना आपने कैसे सीखा? बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है इसका, वो कहते हैं एम्ब्रेस डेथ। डेथ को एम्ब्रेस करना सीखो। ये जब डेथ की बात कर रहे हैं तो मैं फिर से यहाँ पे जग्गी वासुदेव का वो स्टेटमेंट दूंगा। उनका ये कहना है, इफ यू आर अलाइव राइट नाउ, दिस इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ योर हैप्पीनेस। अगर आप जिंदा हो तो ये सबसे बड़ा कारण है आपके हैप्पीनेस का। कितने सारे लोग अपने डियर एंड लव्ड वंस को खो रहे हैं हर क्षण हर पल। आप रात को सोकर उठते हो, सुबह खो देते हैं लोग, न्यूज में आप सुन रहे हो। तो अगर आप आज के मोमेंट पे जिंदा हो, ये सबसे बड़ा हैप्पीनेस का कारण है, क्योंकि जब जिंदा हो तभी तो आपके लिए सारी चुनौतियां एग्जिस्ट करती हैं और तभी आप उन सारी चुनौतियों से लड़ पाओगे। तो एक्सेप्टेंस के लिए आपको डेथ का मीनिंग भी समझना है और लाइफ का मीनिंग भी समझना है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस कैसे इंटरनलाइज किया जा सकता है, कैसे एक्सेप्टेंस को आसानी से आप समझ सकते हो, अक्वायर कर सकते हो, जब आप डेथ को एम्ब्रेस करो।
सी डेथ इज द रियलिटी, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। हर एक व्यक्ति को, हर एक पदार्थ को, हर एक ऑब्जेक्ट को इस अर्थ को छोड़ना ही पड़ता है। तो जरा सा सोचो, डेथ यहाँ पे सिंबल है नॉन परमानेंस का, इम्परमानेंस का। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, नहीं आपके सुख, नहीं आपके दुख। तो जब कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, तो जिसे आप बदलना चाहते हो क्या वो परमानेंट रह पाएगी? जब आप दुखों को बदलना चाह रहे हो, जिससे आप भागने की कोशिश कर रहे हो, जिसे आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपने डेथ को एम्ब्रेस कर लिया, नॉन परमानेंस इम्परमानेंस को समझ लिया, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि अभी ये जो दुख है ये भी परमानेंट नहीं है, इट शैल पास, ये पास हो जाएगा, आपकी लाइफ से निकल जाएगा। तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं हो सकती है, चाहे वो कोई पीपल हो जो आपको परेशान कर रहा है, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई पोजीशन हो, चाहे आपकी करंट सिचुएशन हो, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज डेथ। हर एक चीज़ को डेथ मिलेगी, हर एक चीज़ का एक्सपायरी है। इस बात को जितना जल्दी से जल्दी समझ जाओगे, उतना ही जल्दी से जल्दी आपके अंदर एक्सेप्टेंस उतरने लगेगी। नवल कहते हैं, योर लाइफ इज अ फायर फ्लाई ब्लिंक इन अ नाइट। रात में देखा हुआ है ना, वो जो आग के चारों तरफ एक कीड़ा चक्कर लगाता रहता है, हम भी उसी तरीके से हैं, जस्ट एक कीड़े की तरह है, और कुछ नहीं, बस एक इंटेलिजेंस भगवान ने दे दिया हुआ है, सोचने और समझने की शक्ति दे दी हुई है, बट डेथ के लिए, इस नेचर के लिए हम उस कीड़े से अलग कुछ भी नहीं है, उसी कीड़े की तरह है। वो कीड़ा क्या करता है, आग के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है और एक मोमेंट में अपने दम को तोड़ देता है। हम भी अपने डिज़ायर की तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, अपने कामनाओं की तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, किसी को बदलने की इच्छा के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, परिस्थितियों को अपने फेवर में बनाने की तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, इसी एफर्ट में लगे रहते हैं, और इसी एफर्ट में लगते 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 एक एनर्जी ऐसी आ जाती है जहाँ पर हम अपना दम तोड़ देते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। Our life is just like a firefly. तो ये बात समझनी पड़ेगी, you are here for such a brief period of time. बहुत क्षणिक moment के लिए हमारा जीवन है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, ये हमें लगता है counting में, but nature के लिए ये बहुत ही क्षणिक है, प्रकृति के लिए क्षणिक है। किस moment पे आप इस body को छोड़ दोगे आपको पता नहीं है, इसीलिए death बहुत ही beautiful चीज़ है, आपको एक्सेप्टेंस में लाने के लिए, आपके ईगो को ब्रेक करने के लिए, आपको रियलिटी दिखाने के लिए। इफ़ यू फुल्ली एक्नॉलेज द फ्यूटिलिटी ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, देन आई थिंक इट कैन ब्रिंग ग्रेट हैप्पीनेस एंड पीस, बिकॉज यू रियलाइज दिस इज अ गेम। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि जो आप काम कर रहे हो वो बहुत ही फ्यूटाइल है, उसका कोई वर्थ नहीं है, उसकी कीमत ही नहीं है, जस्ट एक पानी के ऊपर लकीर खींचने के बराबर है, आपके काम की कोई वैल्यू नहीं है जिसमें आप इतना पड़े हुए हो, इतने परेशान हो रहे हो कि मैं महल खड़ा कर दूंगा, मैं पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है प्रकृति के सामने, राइट? तो आप अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस मत दो, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। जो आपकी बॉडी से, माइंड से जो भी एक्शन हो जा रहा है वो बहुत अच्छा है, उसमें आप खुश रहने की कोशिश करो, वही सबसे बड़ा एक्सेप्टेंस है। इस बात के ईगो लाने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये अचीव कर दिया, मैंने ये हासिल कर दिया, कुछ भी नहीं है। इस पूरी हिस्ट्री को उठाकर देख लो, बहुत सारे राजा महाराजा आए, आज उनका नाम यहाँ पे सुनने को नहीं दिखता है। आर लाइफ इज जस्ट लाइक दैट, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आर एवरी एक्शन इज वेरी फ्यूटाइल, एम्ब्रेस डेथ, इट्स अ फन गेम, जस्ट एक गेम है जिसको एंजॉय करो। All that matters is you experience your reality as you go through life. Life में जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आपके लिए बस इतना ही important है, हर एक experience को महसूस करो, हर एक experience को महसूस करते हुए अपने life को realize करो, अपने आप को जानने की कोशिश करो। और अगर आपने अपने आप को जान लिया, ये सबसे बड़ा success है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि द पर्सन हु हैज़ एक्चुअली सेल्फ रियलाइज्ड, हु इज सेल्फ रियलाइज्ड, ही हैड अचीव्ड ईच एंड एवरीथिंग इन हिज लाइफ। उसके लिए सक्सेस एंड फेलियर मैटर नहीं करता है, विन और लूज मैटर नहीं करता है, इसीलिए उसको हर एक चीज़ मिलती चली जा रही है, बिकॉज एवरी टाइम ही इज़ फोकसिंग ऑन हिज एक्शन।
एनी मोमेंट वेयर यू आर नॉट हैविंग अ ग्रेट टाइम, व्हेन यू आर नॉट रियली हैप्पी, यू आर नॉट डूइंग एनीवन एनी फेवर्स, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, कितनी ब्यूटीफुल लाइन है। नवल कहते हैं जिस क्षण में आप खुश नहीं हो, उस क्षण में आप किसी के साथ फेवर नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप नाखुश हो गए तो आपने किसी के लिए फेवर कर दिया, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। आप नाखुश हो जाते हो, आप अनहैप्पी हो जाते हो, तो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है, केवल और केवल आपको फर्क पड़ेगा। और जब आपको फर्क पड़ रहा है तो आप अपने हैप्पीनेस के लिए क्यों नहीं ट्राई करते हो। इट्स नॉट लाइक योर अनहैप्पीनेस मेक्स देम बेटर ऑफ समहाउ। ऐसा भी नहीं होता है कि अगर आप नाखुश हो या अनहैप्पी हो तो किसी को उसका फायदा हो जाएगा। All you are doing is wasting this incredibly small and precious time you have on this earth. आप अगर नाखुश हो रहे हो तो केवल और केवल एक काम कर रहे हो, अपने precious moment को, precious time को जो इस जीवन में आपको मिला हुआ है, बस उसको बर्बाद कर रहे हो। Unhappy होना मतलब अपने आप को बर्बाद करने के बराबर है। Every moment is precious. So you must strive to make yourself peaceful and happy. Keeping death on the forefront and not denying it is very important. Death को अपनी आंखों के सामने रखो, उसको realize करो, और ये आपको सिखाता रहेगा कि एक एक moment आपके लिए important है। क्योंकि एक दिन जिस चीज़ों के लिए आप लड़ रहे हो, जिस चीज़ों के लिए आप दुखी हो, जिस चीज़ों के लिए आप परेशान हो रहे हो, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी जिस दिन आपका death हो जाता है। तो जब आपको डेथ मिलेगा ही मिलेगा, तो आखिर आप अपने जीवन को इस तरीके से क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों नाखुश हो। फिर नवल कहते हैं यू आर गोइंग टू डाई वन डे एंड नन ऑफ दिस इज गोइंग टू मैटर। एक दिन तो आप खत्म हो ही जाओगे, एक दिन डेथ आपको एम्ब्रेस कर ही लेगी, और ये सब सारी चीजें आपके लिए मैटर करेगी ही नहीं। सो एंजॉय योर सेल्फ, राइट, यू हैव टू एंजॉय, जस्ट एंजॉय माई डियर फ्रेंड्स। डू समथिंग पॉजिटिव, प्रोजेक्ट सम लव, make someone happy, laugh a little bit, appreciate the moment and do your work. Just enjoy करो, हंसो और दूसरे को हंसाओ, कुछ अच्छे काम करो, पॉजिटिव मोमेंट को क्रिएट करो, प्रोजेक्ट करो, स्माइल को प्रोजेक्ट करो, और जीवन को पूरे खुशहाली से जियो। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, और यही एक्सेप्टेंस आपको हैप्पी बनाएगी। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको सिखाएगी कि किस तरीके से एक्सेप्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे हर एक एक्सेप्टेंस आपको हैप्पीनेस के करीब लेकर जाएगी, पीस के करीब लेकर जाएगी। आपके पास हमेशा ही तीन ऑप्शन मिलेंगे, या तो चेंज कर लो, या तो बाहर निकल जाओ, या तो एक्सेप्ट कर लो। और मैं यहाँ पे दावे से कह सकता हूँ कि एक्सेप्टेंस आपकी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकती है, क्योंकि आप छोड़ कर भी चले जाओगे, आप चेंज भी कर लोगे, तो भी बहुत सारी चीज़ें बदल नहीं सकती है। एक्सेप्ट, क्योंकि उसी में ट्रू नेचर आपको मिलेगा, और एक दिन आप रियल पीस और रियल हैप्पी को जरूर से पा पाओगे। अगर ये वीडियो आपको एक्सेप्टेंस सिखाती है, अगर ये वीडियो आपको हैप्पीनेस सिखाती है, आपको पीस के नज़दीक लेकर जाती है, तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि उनके लाइफ में भी हैप्पीनेस को प्रोजेक्ट कराना, हैप्पीनेस को शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर उसको शेयर करो। इग्नाइटेड ड्रीम का एफर्ट आपको अच्छा लगता है, इसी तरीके से वीडियोस आपको हमेशा ही चाहिए होगा, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, जिससे आगे आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस न होने पाए। मेरे साथ हैप्पीनेस की इन नॉलेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, हैप्पीनेस को स्प्रेड करने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच।